नेक्स्ट अब हम एसटीआर लाइन का यूज करना सिखा रहे हैं प्रोग्राम में कि हम एसटीआर लाइन कैसे अप्लाई करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया एसटीआर लाइन क्या काम करता है, तो स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। ये कैसे निकालता है तो ये हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो हमने प्रोग्राम लिखा प्रोग्राम इन सी टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके लिए हम क्या किया, ये पहले से हम इंक्लूड करते हैं string.h, phony.h और एक और नया ऐड किया हमने string.h, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है, इसके लिए हम str length का इस्तेमाल करेंगे, इसको इंक्लूड करना होगा string.h। वर्ड मेन इसके लिए हमने अब डेटा टाइप कैरेक्टर्स में लिया है स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग की साइज लिया और स्ट्रिंग के अंदर हमारा क्या है वैल्यू क्या है हमारा तो अलग ही है। उसी चीज हमने क्या किया प्रिंटेड कर दिया है, तो प्रिंटेड में क्या किया है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एस नहीं यूज किया, क्यों नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग के लिए एस होता है, यहाँ पे डी यूज किया है। डी का मतलब क्या क्यों यूज किया, तो जो भी कैरेक्टर्स का न्यूमेरिक वैल्यू नंबर्स में आता है तो इसलिए हमने क्या किया फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी यूज किया। फंक्शन अप्लाई किया एसटीआर लेंथ, किसका निकाले तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट किसको करे एसटीआर को करे। बाकी आपको गेट सी एच होल्ड किया और इसके रिजल्ट क्या जाएगा तो लेंथ कैलकुलेट करेगा द मीन का, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7, रिजल्ट क्या आएगा 700।